दखल न्यूज के संपादक शेफाली गुप्ता को 2022 के ऊर्जस्विता सम्मान से नवाजा गया। अनुनय का ऊर्जस्विता सम्मान मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भोपाल की महापौर मालती राय और नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने शेफाली गुप्ता को प्रदान किया। इस मौके पर लाइफ टाइम ऊर्जस्विता सम्मान से डॉक्टर सुचित्रा बनर्जी को सम्मानित किया गया। भोपाल के होटल प्रबंध संस्थान में अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित महिलाओं को समर्पित ऊर्जस्विता सम्मान 2022 का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विशिष्ट अतिथि नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और समारोह की अध्यक्ष भोपाल की महापौर मालती राय ने दखल की संपादक शेफाली गुप्ता को ऊर्जस्विता सम्मान से नवाजा। इस मौके पर दखल की संपादक शेफाली गुप्ता ने कविता के जरिए अपने विचार व्यक्त किए। रोधों तो मातम छा जाए, हंसने का त्योहार भी मैं हूँ, कभी डॉक्टर कभी लेखक, कविता का छंद भी मैं ही हूँ। प्रेमी की शोना बाबू हूँ मैं, पापा की परी भी मैं ही हूँ, किसी की पत्नी किसी की बहू, अपने बच्चों की माँ भी मैं ही हूँ, भाई की बहन, माँ पापा के आंगन की कली भी मैं हूँ, फूलों का मकरंद भी मैं हूँ, जीवन का अनुबंध भी मैं हूँ, कहने को आधी दुनिया हूँ मैं, पर मेरे हक पर क्यों इतने सवाल, अपने हक के खातिर मैं आधी दुनिया से लड़ जाती हूँ, आधी आबादी हूँ मैं। आरंभ में अतिथियों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। अनुनय के सदस्यों ने अतिथियों को पौधे देकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। सभी ने ऊर्जास्विता के सम्मान के लिए आयोजकों को बधाई दी। अनुनय संस्था द्वारा आज जो विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को सम्मान करने का जो कार्यक्रम रखा गया है, मेरी अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए सूत्रधार माही जी को बहुत बहुत बधाई। अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं को लेकर खास करके ये जो एक कार्यक्रम है बड़ा अनूठा और अच्छा कार्यक्रम भी है। मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि 20-21 प्रतिभाओं को जैसा सिलेक्शन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए अनुकरणीय है। महिलाएं अलग अलग वर्ग में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। निश्चित ही उन्होंने उनको चुनकर कि उनके कार्यशैली को लेकर जो उनका सम्मान किया है, भोपाल की अन्य महिलाओं को भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप भी जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं निश्चित ही आप बहुत अच्छा काम कर रही होंगी। और माही जी से मैं अनुरोध करूँगी कि अगले बार जब आप कार्यक्रम करें तो अनुनय संस्था के माध्यम से और महिलाओं को, आज आपने यदि 21 महिलाओं को सम्मान किया है तो अगले कार्यक्रम आपके 210 महिलाओं का सम्मान आप करें। देखिए, अनुनय संस्था द्वारा समाज में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट काम करने वाली बहनों का सम्मान किया है। मैं बधाई देता हूँ अनुनय संस्था को और मैं उनको भी बधाई देता हूँ जो बहनें सम्मानित हुई है। वो इंस्पिरेशन है, वो प्रेरणा है दूसरों के लिए जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। और इस प्रकार के अच्छे काम करने वालों का सम्मान करने की भावना का मैं सम्मान करता हूँ। सभी को बहुत बधाई। अनुनय ने अलग अलग क्षेत्रों में समाज के कल्याण के लिए काम कर रही 21 महिलाओं को ऊर्जस्विता सम्मान से सम्मानित किया। समारोह में ऊर्जस्विताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी ऊर्जस्विताओं ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। समारोह में भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा, शिवानी घोष, अर्चिता पाठक, डॉक्टर शिखा जैन, सरिता राठौर, सौम्या तिवारी, मोकापति पूर्णिमा, मनीषा सिंह सिसोदिया, रश्मि गोलिया, मधुरिमा राजपाल, डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी, डॉक्टर अर्चना जड़वानी, महबूब जहान मीर, डॉक्टर रीनू पांडे, मेघा सोनी, गायत्री टेकाम, नीता दीप वाजपेयी को भी ऊर्जस्विता सम्मान से सम्मानित किया गया। माही भजनी जी जो बच्चों के बीच में काम कर रही हैं, मुझे लगता है बहुत सराहनीय काम है। और समाज में प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच ले कि ये जो बच्चे सड़क पर भीख मांग रहे हैं या असहाय घूम रहे हैं, नशे का शिकार हो रहे हैं और उन्हें चलते फिरते जब वो हमारी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, खिड़की खटखटाते हैं, अगर उन्हें हम एहसास करवाएं कि उनकी जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में उनका भविष्य भी बदल सकेंगे। आज 19 दिसंबर 2022 को हमारी संस्था अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने 20 ऊर्जस्वताओं का सम्मान किया है जो कि अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ऊर्जस्विता इसी तरीके से हर साल आयोजित होगा और जो महिलाएँ अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं उन्हें हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। मुझे आज ऊर्जस्विता सम्मान मिला है और जैसा मुझे पता चला है कि ये पहली बार किसी शिक्षाविद को दी जा रही है, तो मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अनुनय संस्थान की। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण
दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।